हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो फिट रहेगा इंडिया। तो दोस्तों, हम बहुत टाइम से आपको बता रहे हैं कि कैसे आप एक्सरसाइज करके फिट रह सकते हैं, और ये तो हम सभी चाहते हैं कि जो एक्सरसाइज हम करें उससे हम पर प्रभाव भी हो, और इसलिए हम आपको अलग अलग तरह के एक्सरसाइज बताते हैं जो आप पर इम्पैक्ट डाले, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आप उसे कर सकें। आसान भी एक्सरसाइज होती हैं फॉर बिगनर्स, और थोड़ी सी जब आप एक्सरसाइज करने लग गए हैं तो हार्ड कैसे आप स्टेज पर जा सकते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पर आप कैसे जा सकते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। और ये हमें बताती हैं आरू सोनी, जो कि योगा ट्रेनर हैं। हाय आरू। हाय मेघा। तो आरू, ये बात तो सही है कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं एज अ बिगनर, तो थोड़ा सा हम आसान एक्सरसाइज करते हैं और आप हमें बताती भी हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं तो थोड़ा सा हार्ड एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी को क्या होता है, अगर हम एक ही एक एक्सरसाइज आप रिपीट करेंगे तो बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है थोड़े टाइम बाद। लाइक आपने स्क्वाट्स मानी, आपने स्टार्ट किए, आपने करना शुरू किया, थोड़े टाइम तक आपका वेट लॉस होगा उसे, बट बॉडी को फिर उसकी आदत पड़ जाएगी और वो वेट लॉस वहाँ पे रुक जाएगा। तो ऐसे स्टेज पे क्या होता है, हम एक्सरसाइज चेंज करते हैं, हमारे डाइट में थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, जिससे कि वापस से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस एक्सरसाइज में वेरिएशन होने चाहिए। एग्जैक्टली। तो आरू, क्योंकि हमें बहुत सारी एक्सरसाइज बताती हैं, लाइक जैसे अबडोमिनल के लिए हम बात करें तो अबडोमिनल जब हम करते हैं तो उसके लिए 3-4 एक्सरसाइज आरू हमें बताती हैं। तो अगर आप एक एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब अबडोमिनल पर प्रेशर आना बंद हो गया, तो आप दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर भी लेके चली जाएगी। और आज हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे आरू? आज की हमारी 3 एक्सरसाइज होंगी, वो तीनों आपकी लोअर अबडोमिनल को ट्रेन करने के लिए होंगी, जिनमें से फर्स्ट होगा हमारा बर्ड डॉग पोज। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस। ओके, चलिए। जिसके लिए हम प्लैंक पे आएंगे। okay. आपकी दोनों हथेलियां जमीन पे, आपकी हैंड एंड शोल्डर अगेन 90 का एंगल रहेगा, ना आगे ना पीछे, दोनों घुटने जमीन पे रहेंगे, सेम आपकी नी एंड जो हिप है दोनों में सेम अगेन 90 एंगल। इसमें क्या करना है हमें, अपना राइट हैंड अप करेंगे आप एंड योर लेफ्ट लेग अप, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे, अपनी नी को आगे लेके आएंगे एंड हाथ को पीछे लेके जाएंगे, और अब स्पाइन को थोड़ा कर्ल कर लेंगे, अगेन फॉरवर्ड सेम जो हैंड है उसको, हाँ सेम रिपीट करेंगे, अगेन फॉरवर्ड एंड 10 रिपीटेशन लेंगे ईच साइड। जब हम 3-4 रेपिटेशन लेंगे तो आपको फील होगा आपके लोअर अबडोमिनल के मसल जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। ओके, रिलैक्स, अगेन हैंड ऑन फ्लोर, सेम दूसरी साइड से रिपीट करेंगे, योर लेफ्ट हैंड इन एयर, राइट लेग अप एंड कर्ल योर स्पाइन स्ट्रेट, अगेन कर्ल एंड स्ट्रेट, अगेन कर्ल स्ट्रेट, सेम रिपीट करेंगे, रेपिटेशन दोनों तरफ एक जैसे रखेंगे। अगर आपने राइट से 5 किए हैं तो लेफ्ट से भी 5 ही करेंगे, एंड रिलीज। आरू, जब हम ये पोज कर रहे थे, ये आसन जब हम कर रहे थे, तो लेग्स जब बैक जाते हैं तो क्या वो स्ट्रेट होनी चाहिए या ऊपर हम अप कर सकते हैं उसको? नहीं, आपका एंगल स्ट्रेट रहेगा, नी बेंड नहीं रहेगी, आपकी नी भी स्ट्रेट रहेंगी, तो जिससे आपका लोअर अबडोमिनल जो है वो स्ट्रेच होगा अपोजिट में जी। और क्योंकि जिस तरह कई बार मैं अप कर रही थी तो वो अप नहीं करना है, स्ट्रेट जाना जी, है एकदम स्ट्रेट लेग को और हैंड को। ओके आरू, कितना हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज के साथ कोई टिप? सेम हम 10 रैप्स रिपीट करेंगे दोनों साइड से, और ट्राई करेंगे 3 सेट्स तो आप मिनिमम करें ही करें। और सेम अगर आप खाना खा रखा है आपने तो उसके 1 घंटे बाद में ही प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे जी। एक्सरसाइज आपको ध्यान रखना है कितनी देर करनी है, आपको रिपीटेशन बताया आरू ने, जितना आपको ये रिपीटेशन करना है, सेट्स आप 3 कर सकते हैं, 3 सेट्स एक बार में करना ज़रूरी है, तभी आपको थोड़ा स्ट्रेस फील होगा। उसके अलावा किन लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करनी है? जिनकी नी में थोड़ा इशू रहता है, जिन्हें नी पेन है,
तो वो अवॉइड करेंगे इसको, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, नो इशू। ओके आरू, तो ये तो आपने हमें बताया लोअर एब्डोमिनल के लिए एक एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, और किस तरह आपको ध्यान रखना है, क्या कुछ खास टिप है, ये आरू ने आपको बता दिया। लेकिन जैसा कि आरू ने स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि अगर आप उस एक्सरसाइज को करते करते आपकी बॉडी जो है कंफर्टेबल हो गई है, तो आप दूसरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी एक्सरसाइज आरू से जानते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी लेग राइज, जिनमें कि हम अपने पीठ के बल लेट के दोनों लेग्स को 90 लेके जाएंगे एंड देन अगेन ऑन द फ्लोर। बट हमें फ्लोर पे टच नहीं करना है, आप ट्राई करेंगे 15 डिग्री और 30 डिग्री पे अपने लेग्स को रोकने का एंड देन अगेन अप। ओके, स्टार्ट। योर बोथ हैंड्स ऑन द फ्लोर, लेग्स दोनों पास में, नीज को बेंड नहीं करना है हमें, अपने लेग्स को स्ट्रेट अप लेके जाएंगे एंड देन डाउन कंप्लीट। और हैंड्स का जो पोजीशन है वो हथेली आपकी जमीन पे रहेगी। लेट्स स्टार्ट। लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप एंड देन डाउन, अगेन अप एंड डाउन, 10 रैप्स रिपीट करेंगे। इसमें जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके लेग्स लिफ्ट नहीं हो पा रहे, तो वो एक इजी ट्रिक है कि आप अपनी दोनों हथेलियाँ हिप्स के नीचे रख लीजिए। okay. उल्टी, मतलब हथेलियाँ ज़मीन पे रहेंगी और आप अपने हिप्स को उसके ऊपर रख लीजिए, जिससे कि आपको लेग्स को ऊपर लिफ्ट करने में सपोर्ट मिलेगा और प्रेशर भी थोड़ा सा आपकी बॉडी पर। जी, एक बार फिर से आरवी एक्सरसाइज हम एक बार फिर से करेंगे, बट अभी इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को स्पाइन में इशू रहता है वो इसे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम अपनी स्पाइन को थोड़ा ऊपर लिफ्ट करेंगे। अगेन योर बोथ हैंड्स ऑन द फ्लोर, दोनों लेग्स पास में, नाउ लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप एंड डाउन, अगेन अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन एंड रिलैक्स। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि जिस पार्ट के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर प्रेशर हमें फील हो, और इसलिए आरू ने आपको ये भी बताया कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको सही तरीके से करना है, जैसे आप एब्डोमिनल के लिए जब कर रहे हैं तो आपको प्रेशर फील हो, और साथ ही साथ वेरिएशन भी आपको बता रही हैं कि अगर आप का स्ट्रेच होता है स्पाइन और प्रॉब्लम होती है तो अब कैसे सिंपल तरीके से कर सकती है। आरू, कितनी देर हमें ये एक्सरसाइज करनी है? मिनिमम 10 रैप्स एंड 3 सेट्स। बाकी जैसे जैसे आपका स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ इंप्रूव हो तो आप रेपिटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। जी, और आरू, क्योंकि एक टाइम आता है, जैसा हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे इस शो में, जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो एक टाइम के बाद आपको स्ट्रेस आना फील हो जाता है एब्डोमिनल पर, तब क्या हमें रिपीटेशन इसके बढ़ा देने चाहिए? अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो आप रुक जाइए, बट माइनस स्ट्रेस इज गुड, क्योंकि आपका मसल एक्टिव हो रहा है, आप उस टाइम रेस्ट नहीं लीजिए, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आरू से जानते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बाइसिकल क्रंचेस, जो सेम आपके एब्डोमिनल को ट्रीट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, जिसके लिए हमें फिर से सीधे लेटना है, आपके लेग्स में गैप रहेगा, दोनों हाथों को हमें कान के पास में रखना है, चेस्ट को बाहर निकाल के, शोल्डर बैकवर्ड, हैंड्स नियर योर ईयर। अभी क्या करना है हमें, लेफ्ट या राइट, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, स्टार्ट में नी को एल्बो के पास लेके आना है एंड देन डाउन, फ्लोर पे नहीं रखेंगे, लेग्स आपके हवा में रहेंगे, डाउन, अगेन अप, थोड़ा होल्ड एंड डाउन, अप डाउन, अगेन रिपीट, वन मोर टाइम, डाउन एंड रिलैक्स। हम इसे एक बार और रिपीट करेंगे, बस इसे थोड़ा सा और चैलेंजिंग कर देंगे। इसमें अब हमें अपनी चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करना है लाइक दिस ओनली, हैंड्स अगेन आपके कान के पास में, लिफ्ट योर लेग्स अप एंड स्टार्ट, वन डाउन, टू डाउन, कंटिन्यू,
एंड रिलैक्स। आरु, इस एक्सरसाइज के लिए क्या कुछ खास टिप्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, कितनी देर हमें ये करना है? जिनको स्पाइनल इशू है वो नहीं करेंगे इस एक्सरसाइज को फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिन्हें नेक में इशू रहता है वो भी अवॉइड करेंगे। बाकी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेम 10 रैप्स मिनिमम है ईच साइड, देन रिलैक्स एंड देन अगेन रिपीट फॉर 3 सेट्स ओनली। ओके, आपको कितनी देर करना है, क्या कुछ आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, ये आपको आरू ने बताया। आरू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघा। और जो भी एक्सरसाइज आपको आरू ने बताई है वो आप ध्यान से कीजिएगा। एज आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्सरसाइज आप करें ध्यान से करें, वरना उसका आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।